वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे चावल की खीर। खीर बहुत ही यम्मी होती है और आज मैं एकदम आसान तरीके से और एक नए फ्लेवर में आपको खीर बनाना सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप रसोई बनाना सीख रहे हैं तो भी इस मेथड से आप आसानी से खीर बना सकते हैं और आप इसे बनाकर फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चावल। यहाँ पे मैंने 1/2 कप से भी कम चावल लिए हैं और मैंने बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं। आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल हो वो आप खीर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसे एक कटोरी में ले लें और फिर उसे 2 बार पानी से धोकर 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। चावल को भिगो के रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो आसानी से अच्छी तरह से पक जाए। अब यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। मैंने 5 लीटर का नॉनस्टिक का कुकर लिया है। आप स्टील का या एल्यूमिनियम का कोई भी कुकर ले सकते हैं। इसमें हम 1 लीटर फुल फैट दूध डालेंगे। मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, आप लूज़ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो चावल हमने भिगा के रखे थे उसका पानी हम हटा देंगे और फिर चावल इसमें डालेंगे। आप चाहो तो चावल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट माप रहता है। एक बार इसे मिक्स करें, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप और 3 चम्मच चीनी डाली है। आप जैसा घर में मीठा खाते हो उस हिसाब से आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करने के बाद हम एकदम स्लो फ्लेम पर इसकी 2 विसल करेंगे। कई लोगों की कमेंट होती है कि जब हम कुकर में खीर या दूधपाक बनाते हैं तो दूध उबल के बाहर आता है, लेकिन उसके लिए आपको गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और कुकर बड़ा लेना है। अब मैंने 500 ml फुल फैट दूध एक बर्तन में लिया है। उसमें हम 1 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मैंने बताया उस तरह से एक नई फ्लेवर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और कुकर की 2 विसल होकर कुकर भी ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कुकर में बिल्कुल भी दूध बाहर नहीं आया क्योंकि मैंने गैस की फ्लेम स्लो रखी थी और कुकर भी मैंने बड़ा लिया था। चावल को चेक कर लेते हैं। तो हाथ से आप इसे दबाओ तो आसानी से वो मैश हो जाना चाहिए। तो ये परफेक्टली पककर तैयार हुआ है। जो वनीला फ्लेवर वाला दूध हमने बनाया है उसे एक बार मिक्स करें और फिर उसमें डाल दें। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। इसी के साथ थोड़े कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे। अब हम इसे कंटिन्यूस चलाते जाएंगे क्योंकि जो हमने कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डाला उसमें कॉर्नफ्लोर होता है तो कई बार दूध नीचे चिपकने लगता है, तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाते जाना है ताकि दूध चिपके ना। अब हम इसमें थोड़ा इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे जिससे स्मेल और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसकी थिकनेस भी अच्छी आ जाती है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। किनारों से भी इसे मिक्स करते जाएं और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक उबाला है तो इस तरह की इसकी थिकनेस आ गई है। जब इस तरह की थिकनेस आए तब हमें गैस बंद कर देना है। तो गैस बंद करके हम इसे कंटिन्यूस चलाएंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो खीर को मैंने 3 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है और खीर ठंडी होके इस तरह की एकदम गाढ़ी हो गई है। अब खीर को एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे। आप खीर को ठंडा या गर्म दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं, लेकिन ठंडी खीर ज़्यादा यम्मी लगती है। गार्निशिंग के लिए थोड़े कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। तो अब हमारी एकदम यम्मी खीर बनकर तैयार हुई है। अभी जो मेज़रमेंट लिया उससे आप 5 से 6 लोगों को सर्व कर सको उतनी खीर बनकर तैयार होती है। तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।